चीन में कोरोना विस्फोट, एक दिन में मिले सबसे ज्यादा मरीज। नए केसों के मिलने से चीन में कोहराम, 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, इस समय चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि चीन में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अभी भी नए मामलों के आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चीन में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो चीन में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। जी हाँ, अब तक चीन में एक दिन में इतने मामले कभी सामने नहीं आए थे जितने कि पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं। चीन में हर रोज कोरोना के नए मामले पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और अब एक बार फिर से बुधवार को चीन में 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसने पूरे चीन में हड़कंप मचा दिया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बुधवार को कोरोना के 20,472 नए मामले सामने आए। कोरोना की शुरुआत से एक दिन में ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। चीन में नए मामलों के आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में चीन की जनता घरों में कैद होने पर मजबूर है। यहाँ बता दें कि चीन के सबसे खूबसूरत शहर शंघाई में सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर लॉकडाउन लगा है। लॉकडाउन के प्रतिबंध कुछ ऐसे हैं कि जानवरों को भी सड़कों पर चलने की आजादी नहीं है और इसके बावजूद भी कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की जान नहीं गई। कोरोना की तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना यहां संभाले नहीं संभल रहा है। कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि कोरोना चीन में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की रफ्तार यहां बेकाबू होती जा रही है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी भी यहां फेल होती नजर आ रही है। यह हाल तब हुआ है जब चीन की 87% आबादी वैक्सीनेटेड है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट यानी स्टेल्थ ओमिक्रॉन लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, उन्हें सख्त प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन किया जा रहा है। संक्रमित लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिनके माता पिता तो नेगेटिव हैं, लेकिन उनके बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। तो वहीं खाने पीने की चीजों की कमी और लॉकडाउन के कारण लोगों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। शंघाई में स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सभी हॉस्पिटल फुल चल रहे हैं। किसी भी अस्पताल में संक्रमित मरीजों को एडमिट करने की जगह नहीं है। 2019 के आखिरी में वुहान से पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था, जिसके बाद चीन ने पूरी दुनिया में कैसी तबाही मचाई इससे हर कोई वाकिफ है और अब खुद चीन इसकी चपेट में है। हालांकि चीन ये दावा कर रहा है कि शंघाई में इस लहर में कोरोना संक्रमण से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।